Assalamualaikum. Welcome to the online classes in our school, North City Public School and Girls College. Today we are discuss about our English class 9, lecture number 1. And the unit number 1 is the last summer of the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. Kuch points maine yahan par likh diye hain, background and family, migration and the groups of people. And these things are we are discuss in this lecture. साथ साथ मैं रीडिंग करती जाऊंगी और समझाती जाऊंगी कि इन पॉइंट्स में आपको क्या डिस्क्राइब किया है, क्या बताया गया है. ओके, द लास्ट सर्मन ऑफ द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज बोर्न इन 571 एडी एट मक्का सऊदी अरेबिया इन दस रिस्पेक्टेड कुरैश फैमिली. मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 571 एडी में मक्का में पैदा हुए सऊदी अरेबिया में और एक रिस्पेक्टेबल एक मोहतरम फैमिली में कुरैश फैमिली में पैदा हुए. द कुरैश यूज टू वर्शिप आइडल्स एंड डिड नॉट बिलीव इन वन गॉड्स. उस वक्त जो है कुरैश जो है वो बुतों की पूजा करते थे और वो एक खुदा को नहीं मानते थे. प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आस्क्ड द कुरैश नॉट टू वर्शिप देयर फॉल्स गॉड. जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरैश से कहा कि वो अपने इन झूठे बुतों की पूजा ना करें, ही टोल्ड देम दैट ही वाज द प्रॉफिट ऑफ अल्लाह. उन्होंने बताया कि वो अल्लाह ताला के पैगंबर है एंड Ask them to accept Islam. उनसे कहा कि वो इस्लाम को कबूल कर लें. एंड टू वर्शिप वन एंड द ओनली ट्रू गॉड. उनसे कहा कि एक और सच्चे खुदा की इबादत करें. मोस्ट ऑफ देम रिफ्यूज टू एक्सेप्ट इस्लाम. उनमें से कुछ लोगों ने इस्लाम कबूल करने से इनकार कर दिया. दे थॉट दैट ही वॉज अगेंस्ट देयर गॉड एंड देयर एंसेस्टर. वो ये सोचते थे कि वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके गॉड्स और एंसेस्टर के अगेंस्ट है. दे अपोज दिस न्यू फेथ सो मच. उन्होंने इस नई फेथ को जो है इनकार किया. एंड द प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैड टू आस्क द बिलीवर. फिर उन्होंने अपने मानने वालों से कहा कि हम माइग्रेट करते हैं यसरब, अ सिटी 320 किलोमीटर 200 माइल्स नॉर्थ ऑफ मक्का. बट विद टाइम एज मैनी पीपल स्टार्ट एक्सेप्टिंग इस मैसेज एंड कन्वर्टिंग. और इस साथ साथ बहुत सारे लोगों ने इस्लाम को कबूल करना, उनके मैसेज को कबूल करने स्टार्ट कर दिया और इस्लाम की तरफ राहिब हो गए. द कुरैश बिकेम मोर एग्रेसिव. उसके बाद कुरैश बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गए एंड स्टार्ट मेकिंग अटेम्प्ट ऑन हिज लाइफ. और उनकी लाइफ तक को जो है उन्होंने खतरों में डालना शुरू कर दिया. हैंड्स व्हेन प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गॉट पॉजिटिव सिग्नल फ्रॉम द यसरब. और जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक पॉजिटिव सिग्नल लिया यसरब से, तो ही ऑल्सो डिसाइडेड टू इमिग्रेट देयर. तो उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो वहाँ पर माइग्रेशन करेंगे. आफ्टर 8 डेज जर्नी He reached the outskirts of Yastrup. On 28 June 622, he did not enter the city. और 622 में वो अभी सिटी में एंटर नहीं हुए थे डायरेक्टली. He stopped at the place called Quba. और एक कुबा के मकाम पर उन्होंने स्टे किया. A place some miles from the main city. वो जो जगह थी वो एक मेन सिटी से सिर्फ कुछ ही फासले पर थी. And built a mosque there. और वहाँ पर एक मस्जिद तामीर की. On 2nd July 622, Muhammad sallallahu alaihi wasallam entered the city. और फिर 2nd July 622 को Muhammad sallallahu alaihi wasallam सिटी के अंदर एंटर हो गए. This event is known as Hijra. और इस पूरे इवेंट को हिजरा कहते हैं. And marks the beginning of the Islamic calendar. और वहाँ से जो है इस्लामिक कैलेंडर का आगाज हो गया. यसरब was soon renamed मदीनातुन नबी. और उसको यसरब का नाम जो है चेंज करके मदीनातुन नबी लिख दिया गया. लिटरली द सिटी ऑफ द प्रॉफिट. बट उन नबी वॉज सून ड्रॉप एंड इट्स नेम बिकेम मदीना मीनिंग द सिटी. एट द टाइम ऑफ अराइवल ऑफ द प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन मदीना, द सिटी हैड फोर ब्रॉड ग्रुप्स ऑफ पीपल. देयर वर द मुस्लिम्स इंक्लूडिंग दोज हु वर फ्रॉम मदीना. और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ आए मदीना, तो सिटी में उस वक्त चार तरह के ग्रुप थे. देयर वर द मुस्लिम्स इंक्लूडिंग दोस्त. उनमें वो थे जो मदीना से थे और उसमें वो थे जो मक्का से माइग्रेट कर कर आए थे. देन देयर वर द हाइपोक्राइट्स एंड दैट इज दोस्त. और इनमें वो थे हु एम्ब्रेस इस्लाम इन ओनली नेम बट एक्चुअली वर अगेंस्ट इट, जो उसके खिलाफ थे. एडिशनल देयर वर द पीपल फ्रॉम ऑर्स. और फिर एक और तरह के लोग थे ऑर्स एंड खजराज हु वर स्टिल पैगन्स बट वर लाइकली टू एक्सेप्ट इस्लाम. फाइनली देयर वर अ ज्यूश. और फिर वहाँ ज्यूश भी थे. चार तरह के थे. एक थे मुस्लिम्स, हाइपोक्राइट्स, ऑस एंड खजराज जिनको पैगन्स कहते हैं, और ज्यूश हु वर ह्यूज इन नंबर. जो ज्यूश थे वो बहुत ज़्यादा तादाद में थे एंड फॉर्म एन इम्पॉर्टेंट कम्युनिटी देयर. और उन्होंने वहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट कम्युनिटी बनाई. ओके, ये 3 पॉइंट्स कवर हो गए, बैकग्राउंड एंड फैमिली, माइग्रेशन एंड द ग्रुप्स ऑफ पीपल. एंड द नेक्स्ट स्लाइड इज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मदीना, फेयरवेल पिलग्रिमेज एंड द मैसेज ऑफ पिलग्रिमेज. अब ये डिस्कस करेंगे हम आगे वाले लेक्चर में. कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मदीना.
in order to ensure that all these people live peacefully with each other. लोगों को अमन और ईमान से रहने के लिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनवाइटेड द लीडिंग पर्सनालिटीज ऑफ ऑल द कम्युनिटीज टू डिस्कस दिस मैटर. तो उन्होंने सारी लीडिंग पर्सनालिटीज को इनवाइट किया कि वो इस मैटर को डिस्कस कर सके. ही वांटेड द डिफरेंट ग्रुप्स टू रीच द फॉर्मल एग्रीमेंट फॉर हारमोनी अमंग द कम्युनिटीज एंड फॉर द सिक्योरिटी ऑफ द सिटी ऑफ मदीना. और वो ये चाहते थे कि जो मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं वो एक फॉर्मल एग्रीमेंट पर पहुंच जाएं और एक अपनी कम्युनिटीज के अंदर एक सिक्योरिटी कायम कर लें सिटी ऑफ मदीना में. ही सक्सेस इन ड्राइंग अप द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मदीना. और वो इसमें कामयाब हुए कि उन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया मदीना का, मदीना में एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया और उसको ऑल्सो नोन एज द चार्टर ऑफ मदीना, उसको चार्टर ऑफ मदीना भी कहते हैं. थ्रू विच अ काइंड ऑफ अंडरस्टैंडिंग वॉज डेवलप अमंग ऑल द कम्युनिटीज. और जिसकी वजह से अंडरस्टैंडिंग बढ़े, जो कम्युनिटीज, जो डिफरेंट कम्युनिटीज हैं इनके दरमियान अंडरस्टैंडिंग पैदा हो लिविंग इन द मदीना, जो कि मदीना में रहती है. इट मेंशन द राइट एंड ड्यूटीज ऑफ द मुस्लिम. और इसके अंदर मेंशन किया गया राइट्स, कौन क्या किसके हुकूक हैं, क्या हुकूक है मुस्लिम्स के, क्या ड्यूटीज हैं उनकी, एंड द ज्यूश ऑफ मदीना, और ज्यूश के क्या ड्यूटीज हैं, उनके क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, उनके क्या राइट्स हैं, वो सब इसके अंदर मेंशन किया गया. गैव फ्रीडम ऑफ रीजन, और हर एक को अपनी रीजन के लिए हर एक को एक मुकम्मल आज़ादी दी जाएगी. एंड प्रोहिबिटेड एनी अलायंस विद द आउटसाइड एनिमीज. इट ऑल्सो डिक्लेयर्ड दैट एनी डिस्प्यूट वुड बी रेफर टू द प्रॉफिट फॉर सेटलमेंट. और जो भी यानी कि कोई भी डिस्प्यूट होगी तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ सेटलमेंट होगी. इन लेटर ईयर ही यूनिफाई द डिफरेंट अरब ट्राइब्स अंडर द इस्लाम. और फिर कुछ साल बाद उन्होंने जो डिफरेंट मुख्तलिफ अरब के जो कबीले थे, जो ट्राइब्स थे, उनको यकजा कर दिया इस्लाम के अंदर, इस्लाम के ज़ेर असर. कैरिड आउट सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म्स. और उन्होंने सोशल और रिलीजियस रिफॉर्म्स बनाई. एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डेवलपमेंट, एक एडमिनिस्ट्रेशन डेवलप की. एंड फर्दर कंसोलिडेटेड एन इस्लामिक कम्युनिटी इन मदीना. और जो है इस्लामिक कम्युनिटी मदीना के अंदर एक इस्लामिक कम्युनिटी को बनाया. इन द ईयर 10th हिजरी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंडरटूक हिज फेयरवेल पिलग्रिमेज टू मक्का. 10 हिजरी को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना एक अलविदाई खुतबा दिया मक्का में. दिस फेयरवेल पिलग्रिमेज इज वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट हिस्टोरिकल इवेंट फॉर द मुस्लिम. और जो ये अलविदाई खुतबा था, ये मुसलमानों के लिए एक बहुत ही तारीखी, बहुत ही अहम था मुसलमानों के लिए. फॉर इट वॉज द फर्स्ट, क्योंकि ये मुसलमानों का, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पहला और आखिरी खुतबा था. एज वेल एज अ ओकेशन व्हेन ही टॉट मुस्लिम हाउ टू परफॉर्म द हज. उस मौके पर उन्होंने मुसलमानों को बताया कि किस तरीके से उन्होंने हज अदा करना है. मोर ओवर, और इसके अलावा इन्होंने ये बताया कि इट वॉज ड्यूरिंग दिस हज डेट ही डिलीवर्ड हिज लास्ट सर्मन इन द उन्ना वैली ऑफ माउंट अराफा. उन्होंने अपना एक आखिरी हज में जो है खुतबा डिलीवर किया, एक माउंट अराफात एक वैली है, उन्ना वैली, वहाँ पर उन्होंने अपना एक आखिरी खुतबा डिलीवर किया. ऑन द 9th ऑफ दुल हज, 6 मार्च 632, देयर वॉज काउंटलेस मुस्लिम प्रेजेंट विद द प्रॉफिट ड्यूरिंग हिज लास्ट पिलग्रिमेज. और इस वक्त लातादाद मुसलमान वहाँ मौजूद थे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस आखिरी खुतबे में. व्हेन ही डिलीवर्ड हिज लास्ट सर्मन, जब उन्होंने अपना एक आखिरी खुतबा दिया. Delivering his last sermon, Muhammad sallallahu alaihi wasallam first of all praise and thank Allah. उन्होंने सबसे पहले अल्लाह ताला की खराज तहसीन उनको शुक्रिया अदा किया. उसके बाद then he said, oh people lend me an attentive ear. उन्होंने कहा कि मुझे आप लोग और से सुने, attentive हो जाए मेरी तरफ. For I know not whether after this year I shall ever be amongst you again. Therefore listen to what I am saying. तो इसलिए लिहाजा आप लोग मुझे और से सुने कि मैं आप लोगों को क्या कह रहा हूँ. I am saying to you very carefully. बहुत एहतियात से सुने. Carefully and take this word to those who could not be present here today. और ये word उन तक पहुँचाएं जो यहाँ मौजूद नहीं है. यानी कि आप अब ये जो हुज़ूर अकरम सल्लम ने जो ये खुतबा दिया है, ये आगे तक लोगों तक पहुँचाना है ना. Then among this other thing he gave the following messages. और फिर उन्होंने मैसेज जो दिया, जो पैगाम दिया वो ये था, ओ पीपल रिगार्ड द लाइफ एंड प्रॉपर्टी ऑफ एवरी मुस्लिम एज ए सिक्योर ट्रस्ट. रिटर्न द गुड्स इंट्रस्टेड टू यू टू देयर राइटफुल ऑनर. हर्ट नो वन सो दैट नो वन मे हर्ट यू. एंड द सेकेंड वन मैसेज इज दैट
be aware of Satan for the safety of your region. He has lost all the hope that he will ever be able to land US tree in big thing. Be aware of following him in small things. And the और आगे उनका ये मैसेज था वो पीपल इट इज़ ट्रू टू दैट यू हैव अ सर्टेन राइट्स रिगार्ड टू योर वूमेन. आपके पास वूमेन के लिए बहुत ज़्यादा इख्तियारात हैं, बहुत सारे राइट्स हैं, बट लेकिन दे ऑल्सो हैव राइट्स ओवर यू, लेकिन उनके भी आपके ऊपर हुकूक हैं. ऑल मैनकाइंड इज़ फ्रॉम आदम, और जितनी भी मैनकाइंड है वो सब आदम की औलाद है. हम सब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद है. एंड आदम वॉज क्रिएटेड फ्रॉम डस्ट, और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम मिट्टी से पैदा हुए. The noblest of you in Allah's sight is the most God-fearing. Allah ki the noblest, yani ki jo Allah Taala ki jo nazdeek hai, jo Allah Taala ke liye jo ahem banda hai, wo kaun hai Allah Taala ki nazar mein, wo jo Allah Taala se darta ho. An Arab has no superiority over the non-Arab. Aur Arab ko koi superiority hasil nahi hai, jo non-Arab hai uske upar koi superiority hasil nahi hai. And the non-Arab have no any superiority over the Arab. और ना ही जो नॉन अरब है उनको कोई सुपीरियरिटी हासिल है अरब के लोगों पर. अ वाइट मैन हैज़ नो सुपीरियरिटी ओवर द ब्लैक, और जो वाइट हैं, जो गोरे हैं, उनको कोई फजीलत हासिल नहीं है कालों पर. और जो ब्लैक है, नो डज द ब्लैक हैव एनी सुपीरियरिटी ओवर द वाइट, और जो काले हैं उनको भी कोई बर्तरी हासिल नहीं है, कोई उनको कोई फजीलत हासिल नहीं है गोरों पर. एक्सपेक्ट बाय पिटी एंड गुड एक्शन, सिवाय एक अच्छे एक्शन के अल्लाह ताला की नज़र में वही अच्छा है जो क्या हो, आजी पसंद हो, जो मुस्तक हो, जो अल्लाह ताला के अहकाम पर चलता हो. वही काला है, गोरा, कोई सुपरियोरिटी अल्लाह के नज़दीक ये सब कोई सुपरियोरिटी नहीं है. आई देयर फॉर क्रैश अंडर माई सिप, और ये सब मैं अपने पाँव से रोकता हूँ. ऑल द फॉल्स क्लेम्स टू ग्रेटनेस एंड सुपरियोरिटी फाउंडेड ऑन ब्लड और वेल्थ. एवरी मुस्लिम इज़ अ ब्रदर टू एवरी मुस्लिम, जितने भी मुसलमान हैं वो एक दूसरे के भाई हैं. एंड द मुस्लिम्स कॉन्स्टिट्यूट वन ब्रदरहुड. Nothing shall be legitimate to the Muslim which belong to the fellow Muslim unless it was given freely and willingly. The Holy Prophet completed his last sermon by saying, और फिर उन्होंने अपने last sermon अपने आखिरी खुतबे के अख्ताम में वो ये कहना चाह रहे थे, be my witness, मेरे गवाह रहिएगा, O God, that I have conveyed your message to your people. ए अल्लाह, मैंने तेरा पैगाम तेरे बंदों तक पहुंचा दिया. द मैसेज कन्वे इन दिस लास्ट सरमन आर फॉर ऑल टाइम, और जो हमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हमें मैसेज दिया वो पूरे ज़माने के लिए, हर वक्त के लिए था, ऑल टाइम्स. इफ़ द मुस्लिम फॉलो दिस मैसेज, अगर मुसलमान इस मैसेज के ऊपर अमल करेंगे, इनके ऊपर अमल दरामद करेंगे, द रिज़ल्ट विल बी द फेयर एंड इक्विटेबल सोसाइटी. तो इनका जो रिजल्ट है वो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, इक्विटेबल सोसाइटी के इंसाफ के बराबर होगा. इन विच देयर विल बी ऑनेस्टी, जहाँ पर क्या होगी, ईमानदारी होगी, जस्टिस होगा, इंसाफ होगा. मेट्रोक्रेसी विल बी द गाइडिंग प्रिंसिपल. तो यहाँ हमारा जो चैप्टर के सारे पॉइंट्स हैं, बैकग्राउंड एंड फैमिली, माइग्रेशन, ग्रुप्स ऑफ पीपल, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मदीना, फेयरवेल पिलग्रिमेज एंड द मैसेज ऑफ पिलग्रिमेज, जितने भी पॉइंट्स थे वो हमने इस चैप्टर में डिस्कस कर लिए हैं. द होली प्रॉफिट, द लास्ट सर्मन ऑफ द होली प्रॉफिट मैंने आप लोगों को अच्छे से डिस्कस कर दिया है. तो होप कि आप लोगों को सब कुछ समझ आया हो, और आपको भी घर में इसकी अच्छे तरीके से रीडिंग करें, इसकी वोकैबुलरी निकालें, और इनके जो वर्ड्स हैं वो अंडरलाइन करके इसकी मीनिंग लिखें, इसके सेंटेंस बनाएं. अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा.